मिली है। हम लोग पांचवा बनने से पीछे नहीं हटेंगे। जब जनता ने प्रेम दिया है तो अपने रक्त की आहुति देकर, अपने प्राणों की आहुति देकर उसे चुकाएंगे। खूब मजा आएगा कि बच्चों का सामना मुख्यमंत्रियों से होगा और संदेश होगा कि छोटा बच्चा जान समझ के नाटक कर रहा है। बिल्कुल उन मुख्यमंत्रियों से बहुमत का जो आंकड़ा पार होता है उतनी सीटों पर लड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी तैयारी की समीक्षा का लीडर नहीं बनेंगे। जनता जहां से बुलाएगी हम लोग वहां भी समय है। यदि गवर्नमेंट हम लोग को कमजोर करना चाहे तो अगले जो सत्र आए उसे पारित कर दे। हम लोग खुद मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे, कोई बिना लड़े भी बन सकते हैं। तो अकबक अल बल बकना शुरू कर दिया है, लिखना शुरू कर दिया है, जबकि उन लोग खुद मुर्गा दारू में टेम्पू में भर भर के घूमने का ऐलान कर चुके हैं। कितनी सीटों पर चुनाव लड़िएगा? लगभग बहुमत का जो आंकड़ा पार होता है उतनी सीटों पर लड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी तैयारी की समीक्षा करेंगे। आज लगभग नहीं करने से 1000 के आसपास जनसभाएं हुई, 19 जिला 5 प्रमंडलों में हुई। तो हम लोग एक बार समीक्षा करेंगे कि हमारा जो सभा जो भीड़ बन के आए थे वो वोट में तब्दील करने के योग्य कहाँ कहाँ है। वहाँ हम लोग अपनी पूरी शक्ति के साथ 2024 के चुनावी समर में उतरने का कार्य करेंगे। 24 में जयराम धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जनता तय करेगी। मैंने पहले कहा हम लोग थोपा वाला लीडर नहीं बनेंगे। जनता जहाँ से बुलाएगी हम लोग वहाँ से आएंगे। देखिए, इनडायरेक्ट रूप से हमने सभी लोकसभा सभी विधानसभाओं को संदेश दे दिया है और लगभग हम लोग हर जगह उदाहरण देते हैं। चाहे 60-40 की नीति हो तो केवल एक लोकसभा के लिए नहीं है, 1932 का खतियान की बात हो तो एक लोकसभा के लिए नहीं है। चूंकि जहां सभाएं होती हैं मैक्सिमम वहां के जो लोकल लोग हैं, आपको कम से कम जो लोग आए हैं उन्हें आपको वोट में तब्दील करना होगा। बाकी फिर जहाँ जहाँ हमारी अधिवेशन सभाएं होंगी वहाँ उस समस्या के अनुसार बातें रखी जाएंगी। देखिए, चूंकि आंदोलन का आगाज धनबाद बोकारो से हुआ था तो धनबाद बोकारो में हम लोग बेरमो को चयन कर रहे थे क्योंकि बेरमो हमारा बीच का जगह पड़ता है, या नावाड़ी को चयन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच चर्चा हुई कि नहीं विनोद बाबू, उन्होंने 1972-73 में बदलाव के लिए किलकारी गुंजाने के लिए एक स्थापना किया था। आज 50 साल हो गए तो हमने विनोद बाबू की विचारधारा, कॉमरेड एके राय की विचारधारा इस माटी में जुड़ी है। यहाँ के कण कण में, यहाँ के रग रग में, यहाँ के जर्रे जर्रे में, यहाँ की हवाओं फिजाओं में उनकी विचारधारा है। दोनों की जो विचारधारा है वो समाजवाद साम्यवाद की विचारधारा है, समानता की विचारधारा है, कैपिटलिज्म के विरोध विपरीत जाकर एक विचारधारा को स्थापित करती है जो एक आम व्यक्ति के विकास के लिए उन्नति के लिए सोचती है। तो हमें लगता है उस विचारधारा से बेहतर कोई विचारधारा नहीं हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने विनोद बाबू की जन्मभूमि और कॉमरेड एके राय की कर्मभूमि को चुनने का काम किया है। दादा, लोग आप पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है भाषा खतियान के नाम पे राजनीति मतलब आपने शुरुआत की और अब राजनीति में उतरना आपका मेन मकसद था? जी नहीं, मेन मकसद ना था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। अभी भी समय है। यदि गवर्नमेंट हम लोग को कमजोर करना चाहे तो अगले जो सत्र आए उसे पारित कर दे। हम लोग खुद ब खुद कमजोर हो जाएंगे, गवर्नमेंट सारा श्रेय ले लेगी। इसलिए ऐसी कोई मंशा नहीं है। आज जितने भी लोग हमारे साथ हैं सभी पढ़ने वाले नौजवान हैं, दर्द को समझते हैं, 60-40 की पीड़ा को समझते हैं, नौकरियों को बेचने की पीड़ा को समझते हैं, हमारी जमीनों को गलत तरीके से अधिग्रहण करने की पीड़ा को समझते हैं। इसलिए आज पॉलिटिक्स के और जाने का कष्ट कर रहे हैं। दादा, जितने भी पार्टियां हैं अभी झारखंड में एक्टिव, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, सभी के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है। पैसों से मतलब वो लोग वोट खरीद के कुछ भी कर सकता, तो ऐसे में आप कैसे एक्सेप्ट कीजिएगा उस चैलेंज? मेरा मानना है कि हम लोग जैसा आज का अधिवेशन हुआ जी, जब ऐसा अधिवेशन प्रत्येक विधानसभा में होगा तो मुझे लगता है एक बदलाव की उम्मीद हम लोग देखेंगे। तो अगला अधिवेशन कहाँ हो सकता है दादा? चर्चा ये चल रही है, राजधानी में होगी या तो फिर कोल्हान के क्षेत्र में होगी या फिर पलामू प्रमंडल में होगी, क्योंकि पलामू प्रमंडल भोकाल टीवी का घर है। भोकाल तो खूब मचाते हैं लेकिन पलामू प्रमंडल में हम लोग भोकाल नहीं मचा पाए हैं। बिल्कुल मचाइएगा। इसलिए हम लोग पलामू प्रमंडल की दिशा में बढ़ेंगे। लोकसभा हमारा वार्म अप होगा और चूंकि हमारा तो नियम है कि मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे कोई बिना लड़े भी बन सकते हैं, भारत का संविधान है। तो लोकसभा हम लोग इसलिए जाएंगे क्योंकि हमारे राज्य में कहीं ना कहीं नुकसान है, बीजेपी का भी रोल है। राज्य सरकार नीति को विधानसभा से पारित प्रस्ताव के रूप में करती है, वो राजभवन भेजती है। राजभवन में चूंकि केंद्र के राज्यपाल बैठे हैं उनके द्वारा कंटिन्यू 2 बार रिजेक्ट होता है, तो उनको भी आभास होना चाहिए कि झारखंडी लोग अपने वोट के प्रति जागरूक हैं। आप कानून और संविधान की बात करते हैं लेकिन उन्हीं कानून के तहत आप पे कई केस दर्ज हैं। इसी माटी से कई ऐसे नेता निकले हैं जो विधायक बने और सांसद बने और कुछ दिनों के बाद उनकी सदस्यता चली गई। जयराम ऐसा क्या करेंगे कि उनकी सदस्यता बची रहेगी और लंबे समय तक वो इस माटी की सेवा कर सकेंगे, यहाँ की राजनीति कर सकेंगे? सबसे पहला बात, जितने भी केस हुए हैं बहुत फर्जी हुए हैं और उसके बाद हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है कि सदन में हम जाएं। हम लोग एक विचारधारा के रूप में आए हैं। बहुत सारे लड़के तैयार हो रहे हैं, वे लोग हमको रिप्लेस करेंगे और लोग उनको भी सुनेंगे, उनको भी महत्व देंगे। ऐसी बात नहीं, उस पृष्ठभूमि को हम लोग तैयार कर रहे हैं, पृष्ठभूमि को। तो निश्चय ही हम लोग एक विचारधारा है और विचारधारा की लड़ाई है। हमारा शरीर रहे या ना रहे, एक नई विचारधारा झारखंड में स्थापित होगी और जो विस्थापितों के नियोजन नीतियों, स्थान नीतियों, विस्थापन नीतियों, खनन नीतियों, उन तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर
मैंने मुखरता के साथ अपनी आवाज को रखे और पूरे दुनिया को बताए कि झारखंडियों के साथ कितना सौतेला व्यवहार हो रहा है। देखिए आप लोकसभा को छोड़ नहीं सकते हैं, वो हमारा सेमीफाइनल होगा। यदि बैकअप के तौर पर विधानसभा रहेगा, यदि मान के चलिए लोकसभा में हमारा एक भी पॉजिटिव रिजल्ट रहता है, तो अगर एक लोकसभा में पॉजिटिव रहेगा यानी 6 विधानसभा में हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। यदि गनीमत है अगर हम लोग 2-3 विधान लोकसभा में पॉजिटिव रहे तो 15 से 18 विधानसभाओं में हम लोग पॉजिटिव रहेंगे। और यकीन मानिए, जहाँ तक दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी का किनारा फैला है, कौन लोकसभाओं में तो हम लोग नदी में गोता लगाते हुए बहते हुए पार पा लेंगे। जयराम तो भूख से हरा हुआ आंदोलनकारी समझता है, जो आंदोलन छोड़ के चुनावी प्रक्रिया में उतर गया। देखिए सबसे बिल्कुल अपने अच्छी बात कही, भारत भावनाओं का देश है, भारत भाव भक्ति का देश है। यहाँ के लोग भावनाओं से हटकर लॉजिकली नहीं समझते। हम लोग कहते हैं कि नेताजी को क्रांतिकारी होना चाहिए, भगत सिंह को क्रांतिकारी होना चाहिए, और आज फिर कहते हैं विकास नेताजी जिंदा होते हैं, आजाद भारत की कैबिनेट में मंत्री पद होते तो आज ये दशा नहीं होती। डेट मीन्स जो आंदोलन करते हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उन्हें राजनीति की बागडोर संभालनी होगी, नहीं तो फिर यही अनपढ़ जाहिल लोग आंदोलन करेगा, कोई और पढ़ा लिखा पीएचडी करने वाले, एमए एमटेक करने वाले छात्र और अंगूठा छाप मंत्री बन के आएंगे। जयराम जी, एक राजनीतिक टिप्पणी आपसे चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी, खबर यह है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अपने तीनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों को उतारने जा रही है, आपका क्या रिएक्शन है? मजा आएगा, खूब मजा आएगा कि बच्चों का सामना मुख्यमंत्रियों से होगा और संदेश होगा कि छोटा बच्चा जान समझ के नाटक कर रहा है। बिल्कुल उन मुख्यमंत्रियों से कहिए अपने होश हवास में आए, क्योंकि हमारा कभी इज्जत बना नहीं है। आपके अपनी इज्जत के ताने के बाने पड़ सकते हैं माननीय मुख्यमंत्रियों, इसलिए संभल के आए, होश हवास के साथ आए, क्योंकि जनता अब 2024 के लिए तैयार है। जैसे कि बहुत सारे लोग जाति का आरोप लगाते हैं, तो आपके माध्यम से मैं तमाम समूह, तमाम समाज, तमाम धर्म के लोगों को झारखंडियत के लिए आमंत्रण करता हूँ। साथ ही साथ मैं तमाम ऐसे युवा, ऐसे अभिभावक जो झारखंड के मुद्दों के साथ आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन्हें एक मंच में आने के लिए आमंत्रण करता हूं, और साथ ही साथ जो हमसे अनुभवी है उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रण करता हूं। बिल्कुल आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पिलर के माध्यम से मैं तमाम लोगों तक ये संदेश संप्रेषित करता हूं। जयराम दा, एक सवाल मेरा है, जिस तरह से लाखों का भीड़ यहां पे देखा गया, क्या आपको लगता है अन्य जगह पे आप सभा करेंगे वहां का भीड़ क्या कुछ रहेगा खास इस तरह का? देखिए वो दर्द पे डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर हम संपन्न क्षेत्रों में चले जाएंगे तो थोड़ी भीड़ की संख्या कम होगी, ये विस्थापित क्षेत्र है, हर यहाँ खड़ा है FCI, बहुत सारी कंपनियां फैक्ट्रियां खड़ी हैं, विस्थापित के दर्द को लोगों ने देखा है तो संख्या ऑटोमेटिक चला। दूसरी सवाल ये है कि लाखों का भीड़ को देख करके विरोधियों का तो हवा अभी से टाइट हो गया है बाबा, एकदम पूरा तो अकबक अल बल बकना शुरू कर दिया है, लिखना शुरू कर दिया है, जबकि उन लोग खुद मुर्गा दारू में टेम्पो में भर भर के 300 दे के लाता था, जब लोग फ्री में आने लगे हैं 44 डिग्री के टेम्परेचर में पूरा शाम PMLA रहते, जैसी सूचना हमें मिली है। हम लोग पांचवा बनने से पीछे नहीं हटेंगे, जब जनता ने प्रेम दिया है तो अपने रक्त की आहुति देकर, अपने प्राणों की आहुति देकर उसे चुकाएंगे तमाम।